अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 2.2 के क्वेश्चंस 1 से 22 करेंगे। हमने पहले भी बात की थी डेरिवेटिव्स जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया कि आपने गिवन फंक्शन का जो ग्राफ गिवन है उसमें एफ प्राइम ऑफ 1, एफ प्राइम एट 3, एट 5 एंड एट 6 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और साथ में ही उनने टेंजेंट लाइंस भी दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन उस पॉइंट के ऊपर, विच मीन्स वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो आप आराम से उसका स्लोप निकाल सकते हैं जो कि उसी उन दोनों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ये वाला x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट भी हमें ऑलरेडी गिवन है ये वाली। तो हमने एक पॉइंट लिया 1 3 और दूसरा पॉइंट हमने लिया 1/2, 2 क्योंकि इसी टेंजेंट लाइन के ऊपर है। तो हम इसका स्लोप निकाल देते हैं इस फार्मूले से, बाई टू माइनस वाई वन विच इज़ 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 दैट गिव्स अस 1/2 दैट बिकम्स 2। तो स्लोप या डेरिवेटिव एट 1 इज 2। इसी तरह जब हम 3 के ऊपर फाइंड आउट करते हैं तो द पॉइंट 3 इज हेयर। यहाँ देखिए एक स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने पहले भी बात की थी कि जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो दैट मीन्स के डेरिवेटिव 0 होगा, स्लोप 0 होगा। देखिए ये पॉइंट आपके पास है 2 6 और ये अगर हम कर लें तो ये 4 6। तो ये y2 है, ये y1 है। y2 माइनस y1 ऊपर क्या आ रहा है 0 और नीचे 4 माइनस 2। तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, इसीलिए हम स्ट्रेट अवे 0 लिख देते हैं। अगर आप जब भी आप देखें कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दैट मीन्स द स्लोप इज 0, मीन्स डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज 0। नेक्स्ट पॉइंट इज एट 5। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया 5 3 उसी टेंजेंट लाइन के ऊपर जो कि ये है। दूसरा पॉइंट लिया 6 एंड 1। तो बाय दिस फार्मूला हमने ये निकाल लिया 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 5। और इसी तरह दूसरा जो है लास्ट वन इज एट 6, हमने फाइंड आउट करना है। तो एक पॉइंट हमने ले लिया 6 एंड 1 और दूसरा पॉइंट ये वाला है विच इज 7 0। तो 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 6 गिव्स अस -1। तो इस तरह से आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं जो भी आपको पॉइंट गिवन हो। क्वेश्चन 2 में आपसे कहा गया अगेन सिमिलर चीज़ है, ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। नंबर्स आपके पास एफ प्राइम एट -3, एट 0, एट 2, एट 4 एंड द वैल्यू 0 इटसेल्फ। आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 तो एज सच 0 तो 0 ही है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 0। दूसरे वो कह रहे हैं कि इस ग्राफ से आप बताएं। तो एट -3 ये -3 है, इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो ये चीज़ बनेगी। 0 के ऊपर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो ये चीज़ बनेगी। देखिए ये इसका स्लोप ज़्यादा है, इस वाले का स्लोप नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इससे तो कम ही हो गया। एफ प्राइम ऑफ -3 से तो कम हो गया स्लोप किस चीज़ का, एफ ऑफ प्राइम ऑफ 0 का। अब अगर हम देखें यहाँ पे एट 2 क्योंकि ये चीज़ है, उसके ऊपर स्लोप एटलीस्ट इस वाले से ज़्यादा है, ठीक है। ये स्लोप और ये स्लोप, इसमें ये वाला ग्रेटर है इस वाले से। तो 0 से ज़्यादा हो गया स्लोप किस चीज़ का, 2 का। तो अगर ये 0 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली -3 से कम ही होगा। और फिर दूसरा आखिरी पॉइंट है एफ एट 4, तो ये हमारे पास 0.4 है, उसके ऊपर ये आता है। ये देखिए ये स्लोप उससे भी ज़्यादा कम है, इस वाले से भी और ज़्यादा स्ट्रेट है। दैट मीन्स कि 4 सबसे छोटा है उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है। अब अगर देखें ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और इसके बाद फिर ये पॉजिटिव, तो इनके दरमियान में कौन सी चीज़ आती है? ज़ीरो। तो इसलिए हमने कहा कि ज़ीरो पॉजिटिव से स्मॉलर है, लेकिन ज़ीरो से पे सबसे जो कम स्लोप है वो किसकी है? टू की। ज़ीरो के ऊपर है, टू के ऊपर है, फिर उससे और कम स्लोप किसके ऊपर है? ज़ीरो के ऊपर है। और सबसे कम स्लोप क्या है? ये। इन हमने उतराई देखनी है, जो सबसे स्टीपेस्ट उतराई कौन सी है? ये वाली है। उसके बाद थोड़ी सी स्टीप कौन सी है? ये वाली है। उसके बाद कौन सी है? ये वाली है। और ये सारी क्या है? उतराई है, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप है। और ज़ीरो चूँकि एक नंबर है विच इज़ ग्रेटर दैन नेगेटिव, इसीलिए ज़ीरो से बाकी सारी स्मॉलर है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद -3 के ऊपर पॉजिटिव है, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। और फोकस ऑन कंसेप्ट क्वेश्चंस में है, आपके पास है इफ़ यू आर गिवन एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व, हाउ वुड यू गो अबाउट द फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ ए। सो एफ प्राइम ऑफ ए क्या चीज़ होती है? हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। पार्ट बी में आपसे क्या करें? गिवन दैट द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ दिस इज एट दिस पॉइंट, और इसकी ये वाली इक्वेशन है, तो आपने एफ प्राइम ऑफ ए टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो यह है कि y इज इक्वल टू mx प्लस बी या mx प्लस सी। इसमें ये जो चीज़ होती है ये आपका स्लोप होता है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर हम स्लोप निकाल लें वो चीज़ कंपेयर करें इसके साथ, तो वो स्लोप हमारे पास आ जाएगा 3। और पूरी चूँकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही होगा which is m is equals to 3. So that means f prime at 2 भी क्या होगा? 3 भी होगा। ठीक है, so this is one of the methods. The second is आप एक पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, कोई दूसरा पॉइंट आप ले लें। जब मैं x को 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? -1। तो दो पॉइंट्स मेरे पास हो गए, आप y1 minus y2, x2 minus y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के फार्मूले से स्लोप फाइंड आउट करें, तो भी आपके पास यही चीज़ आएगी 3। पार्ट सी में कहते हैं कि आपको फंक्शन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। तो इसमें भी अगेन एग्जैक्टली सेम ही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, तो वो भी आपकी सेम ही रहेगी। फाइंड करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड आंसर यही चीज़ आएगी। आपने जो मेथड किया था कि x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x प्लस 2 माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस 2, जो भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे एट द एंड आंसर सबका क्या आएगा? यही आएगा। क्वेश्चन 4 में गिवन दैट द टेंजेंट लाइन आपको गिवन ऑफ द फंक्शन at the point this one passes through this, अब वो इस पॉइंट से पास कर और इससे भी, तो आप सिंपल वही आपके पास y1 y2 है, सो y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2, सो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, you get the answer। पार्ट 5, क्वेश्चन 5 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, स्केच करना है आपने ग्राफ। वैल्यूज़ आपको गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर क्या है? -1 है। ठीक है, डेरिवेटिव एट 0 क्या है? 0 है, दैट मीन्स कि जब x 0 है तो जो स्लोप है वो 0 है, मीन्स टेंजेंट लाइन क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है जो पैरेलल टू x एक्सिस हो। नेक्स्ट आपसे कहा गया कि जो डेरिवेटिव है जब x लेस देन 0 है ये ज़ीरो है हमारे पास, तो जब इस तरफ है तो डेरिवेटिव इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो लेस दैन ज़ीरो का मतलब है कि स्लोप नीचे की तरफ है, और जब एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हमने इसको, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए, पहली बात कि जब x ज़ीरो है तो y की वैल्यू क्या है, -1, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, हमारे पास 0, 0 है। तो ये जब x ज़ीरो है तो y की वैल्यू क्या है, -1, एक ये पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरा वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स स्लोप क्या है 0, दैट इज मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारे पास वो टेंजेंट लाइन आ गई जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। उसके बाद आपसे कहा गया कि ये चीज़, तो वो लाइन हमने ड्रॉ करनी है जो इस चीज़ को, जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो नेगेटिव हो। देखिए इसके ऊपर जो भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे वो नेगेटिव होंगे, तो हम एक लाइन इस तरह नीचे की तरफ खींच देते हैं। इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का नेगेटिव, और राइट साइड पे पॉजिटिव है तो हम इसको ऊपर की तरफ खींच देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सबका जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एट द एंड यू कैन सी दैट द ग्राफ दैट यू स्केच वुड बी अ पैराबोला ऑफ दिस टाइप। जो ये पॉइंट है वो क्या है, 0 एंड -1। 6 में भी आपको ये चीज़ दी हुई है, थोड़ा सा चेंज है, डेरिवेटिव फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, 0, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, 0, 0, वहाँ पे था 0, -1, यहाँ पे क्या आ गया, 0, 0। दूसरी बात कोई चीज़ का ये है कि जब x 0 है तो स्लोप क्या है, 0, तो 0 के ऊपर ही आपका टेंजेंट लाइन आ गई है। टेंजेंट लाइन कहाँ पे आ गई, इसके ऊपर। उसके बाद x जो है डेरिवेटिव पॉजिटिव है जब आप x 0 के लेफ्ट पे हो, और डेरिवेटिव अगेन इंक्रीजिंग है जब राइट पे हो। ठीक है, इधर भी इंक्रीजिंग, इधर भी इंक्रीजिंग, ठीक है। और 0 के ऊपर क्या है, टेंजेंट लाइन। देखिए 0 के ऊपर टेंजेंट लाइन आ गई, 0 के लेफ्ट पे भी इंक्रीजिंग है। देखिए ये इंक्रीजिंग, 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 0 पे पहुंच के टेंजेंट हो गई है, टेंजेंट 0। यहाँ टेंजेंट लाइन इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, 0 पे पहुंच के 0 हो गया। अब उसके बाद फिर से इंक्रीज, इसीलिए ये लाइन आपकी जो ग्राफ बना है वो ऐसे बना। 7 में आपको दिया हुआ f(3) is -1, f(3) is 5, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है, एट x is equals to 3। तो यूजुअली इक्वेशन है y - y1 is equals to m x minus x1। ये m क्या है, स्लोप है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y is equals to f of x prime, sorry x naught। ये वो पॉइंट है जो आपको गिवन है, ठीक है, जिससे आपके पास y naught आ जाता है, जिसके ऊपर आपने वैल्यू निकालनी थी। दिस इज योर x naught, m स्लोप एट x naught और x minus x naught, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप एट x naught है वो क्या होगा आपका, f prime at x naught, और यहाँ पे आपके पास x naught क्या है, 3। तो आप सिंपल, x naught हमारे पास 3 है जिसके ऊपर हमने फाइंड आउट करना है। f of x naught is f of 3 is -1, और स्लोप जो है वो भी हमें गिवन है ये। तो ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिए। y - f(3) is equals to f prime of 3 into x minus 3। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, यू कैन सी दैट, वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आपके पास वही गिवन है वैल्यूज। ये आपका x naught है, फार्मूला आपको पता है, वैल्यूज आपके पास है x naught की, f of x naught की, स्लोप एट x naught की, फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर दिए, और बाकी आप सिंप्लीफाई कर दें उसको। 19 to 14 आपने डेफिनेशन यूज़ करनी है जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो फंक्शन आपको गिवन है 2x2, लिमिट आपने फाइंड करनी है एट ए इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो हम पहले इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए वैल्यू निकालेंगे, आखिर में उसमें x की जगह पे a पुट करेंगे, a की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया, हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x2। इस फार्मूले के हम x में x की जगह पे x प्लस एच लिखेंगे, ये वाला, ये बन जाएगा। तो आप बेशक इसको यहाँ ओपन कर दें या इसमें लिखने के बाद ओपन कर दें, और f ऑफ x तो एज इट इज ही रहेगा। तो फार्मूले में इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, इसकी जगह पे एज इट इज माइनस अपनी जगह पे आ गया h। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 2 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई h। अब ये 2 दोनों सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल आउट। तो आपके पास ये चीज़ रहेगी 2x स्क्वायर एच स्क्वायर 4xh डिवाइड बाई h। अब इसमें h कॉमन है, h अगर कॉमन ले ले तो 4x प्लस 2h डिवाइड बाई h, ये इसके साथ कैंसिल। हमारे पास अब वैल्यू बची है लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 4x प्लस 2h। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दें, h की जगह जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 पुट कर दें, तो दिस बिकम्स 4x। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया f प्राइम ऑफ x जनरल फॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो तब क्या होगा, तो दैट मीन्स हमने x की जगह पे 1 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ x इस फार्मूले में 1 पुट किया। हमारे पास आंसर आ गया f प्राइम एट 1 इज इक्वल टू 4। आगे हमसे पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो वो हमने की हुई है y1 इज इक्वल टू m या f प्राइम एट 1। हमने पहले भी कहा था कि x1 या x0 है, x0 x माइनस x0, हमारे पास वो x0 यहाँ पे क्या है 1। तो y माइनस f ऑफ 1 f प्राइम एट 1 x माइनस 1। तो आपने सबसे पहले इसको यूज़ करते हुए ये निकालना है। तो f ऑफ 1 क्या होगा, 2x की जगह पे 1 लिख दे। ओरिजिनल फार्मूले में ओरिजिनल फार्मूला क्या था ये, इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, y इसकी जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, इसकी जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, और ये 1 एज इट इज़, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर देगा दी आंसर। नेक्स्ट फंक्शन ए गिवन है, आपने इस फार्मूले के लिए सेटिंग करनी है। तो x की जगह पे हम x प्लस एच पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। एफ ऑफ x की जगह एज इट इज आ जाएगा और h। इसका अगर हम LCM ले लें या दोनों में से लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, इनका एलसीएम क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, विच इज अगेन हियर, इसको हम और डिवाइडेड बाय h, तो ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका फार्मूला है, इसका अगर हम ओपन कर दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस 2xh डिवाइड बाय hx square x प्लस एच होल स्क्वायर। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, हमारे पास आ जाता है माइनस एच स्क्वायर माइनस 2x एच। ठीक है, अब इसमें से अगर हम एच कॉमन ले लें तो माइनस 2x माइनस एच डिवाइड बाई एच, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है। अब एक्स एच की जगह पे हम जीरो पुट कर दें, ऊपर भी नीचे भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ज़ीरो इसकी जगह ज़ीरो, तो आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ कट जाता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इसका होगा एक्स स्क्वायर और एक इसका है, तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 4, एक इसके साथ कट जाएगा तो 3 रह जाएगा। तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया। उसने पूछा हुआ है आपसे किस चीज़ के ऊपर, 8 -1 के ऊपर, तो आप x की जगह -1 पुट कर दे, सॉल्व कर दीजिएगा दिस आंसर। अब अगेन फार्मूला है f(y माइनस f(a) या x0 f' (a) x - a, वैल्यू आप निकाल दें। f(x) आपके पास गिवन था 1/x², इसमें x की जगह पे -1 पुट कर दें, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये फंक्शन में इसकी जगह इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और जो कि -1 है, माइनस बिकम्स माइनस इंटू -1 बिकम्स +1, बाकी आप सिंप्लीफाई कर दें। इस वाले में क्यूब का फार्मूला है, तो आप इसको सिंपल एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3x एच स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब और एच, ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाता है, एच और एच क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3x एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच। देखिए इस सब में एच कॉमन है, तो एच स्क्वायर प्लस 3x² 3x एच डिवाइड बाई एच, ये इसके साथ कैंसिल, तो ओरिजिनल हमारे पास ये चीज़ बच जाती है। अब इसमें आप एच की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब आपसे वैल्यू मांगी है एट x = या a = 0, जब x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। f(x) क्या था हमारे पास, x क्यूब था, तो x के 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 आएगा। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, 0 0, ये 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इज y = 0। क्यूब का अगेन फार्मूला है, सिर्फ 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक +1 भी है, तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x था हमने x प्लस एच पुट कर दिया। ठीक है, और ये f(x) एज इट इज आ गया। अब इसको ओपन करेंगे तो अगेन एक्स क्यूब एच क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3x एच स्क्वायर और फिर +1 और ये माइनस 2x क्यूब और -1, माइनस जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ होगा, वन को छोड़ के, वन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये -1 +1 कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, आपके पास बच जाता है 2x एच क्यूब 6x² एच प्लस 6x एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच। अब इन सब में एच कॉमन है, तो यहाँ से एक एच निकल जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, इसका एच भी इसके साथ कट जाएगा और इसका स्क्वायर का एच, तो आपके पास ये चीज़ बच जाएगी वो चीज़ हेयर। अब आप एच को ज़ीरो पुट कर दें, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर फाइंड करो, एक्स की जगह पे -1 पुट कर दिया तो ये चीज़, और ये हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था 2x³ + 1, तो एक्स की जगह पे -1 पुट कर दिया तो वो वैल्यू भी आ गई, ये भी हमारे पास आ गई, ये भी आ गई, ये ऑलरेडी गिवन था, फार्मूले में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। 13 में भी अब स्क्वायर रूट गिवन है तो x की जगह पे हमने x + h लिख दिया। अब x + h + 1, या अगर x + 1 + h लिख दें तो एक ही बात है। यूजुअली हमने ये किया है, इसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई किया है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस का आप जिस तरह भी आप लिखें। अब हम इसकी हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। एडिटिव इनवर्स ये नेगेटिव है तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट व्हिच इज पॉजिटिव, उसी एग्जैक्ट नंबर से विद एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर वाला आपके पास आ जाता है x + 1 + h, उसका स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास है ना a - b, और a + b किसके इक्वल होता है a² - b² के, तो ये हमारे पास एक है a - b और ये a + b, तो a का स्क्वायर विच इज दिस वन हमने लिख दिया और b का स्क्वायर विद अ माइनस। ठीक है, अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, आपके पास x + 1 + h और ये माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x + 1 के साथ होगा तो -1 और डिवाइड बाय, और ये नीचे वाला h इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब x + 1 + h और x + 1 ये एज इट इज आ गया, ये माइनस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ, सिर्फ ऊपर h रह गया, ये h इसके साथ कट जाता है तो अब आप h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। x + 1 और ये भी x + 1 दोनों ऐड करेंगे तो 2 × √(x + 1)। हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे 8 पुट कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 3 × 2 = 6, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये फंक्शन है x + 1, x की जगह पे 8 पुट कर दिया तो आंसर आ गया। ये सारी वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। 14 में सेम चीज है, यहाँ पे सिर्फ 2 × x हो गया और ये वैल्यू चेंज हो गई है। तो अगर हम इसको देखें वही चीज हमने की है, x की जगह पे x + h लिख दिया तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये चीज़ आ जाएगी। अब वही कि हमने उसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, a - b का फार्मूला अप्लाई किया, a² - b² का देगा 2x + 2h + 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ओपन करेंगे तो 2x, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल के बाद 2x + 2h + 1, ये माइनस इसके साथ होगा तो -2x, इसके साथ होगा तो -1h और ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2x + 2h + 1 इंटू 2x + 1 माइनस प्लस के साथ माइनस प्लस के साथ तो 2h और ये चीज़ h इसके साथ कैंसिल 2 डिवाइड बाई ये चीज़। अब इसमें h की जगह पे 0 पुट कर दें तो 2x + 1 2 टाइम्स करेंगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स, ऊपर भी 2 है तो वो 2 इसके साथ कैंसिल, इसीलिए हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये चीज़ रह जाती है। अब इसमें x की जगह पे 4 पुट करें, सॉल्व करें, यू गेट दिस थिंग। फंक्शन हमारे पास था f(x = 2x + 1), उसमें हमने x की जगह पे 4 पुट किया, सॉल्व किया तो ये आ गया। तो फार्मूले में y - f prime of a x minus a, इसमें वैल्यूज पुट कर दी सारी और सिंप्लीफाई कर दिया। 15 to 20 में अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी सेम प्रोसीजर है, सिर्फ चीज़ वहाँ पे h था, यहाँ पे वो डेल्टा कर दिया उन्होंने, डेल्टा x, बाकी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो y = 1/x और आखिर में पॉइंट भी नहीं पुट करना। तो हमने एक दफ़ा x की जगह पे x + डेल्टा x पुट कर दिया, तो x + डेल्टा x वो ये लिख दिया, f(x) एज इट इज़ आ गया। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये x × x + डेल्टा x एलसीएम आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एज इट इज़, इसके साथ क्या होगा x + डेल्टा x। ओपन कर दें इसको, x माइनस x, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी माइनस डेल्टा x, माइनस प्लस कैंसिल, x + डेल्टा x और ये वाला डेल्टा x एज इट इज़। ऊपर हमारे पास माइनस ये रह गया, नीचे डेल्टा एक्स, एक्स और ये डेल्टा एक्स इसके साथ कैंसिल, तो -1/x + डेल्टा x। अब डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये 1/x × x इज -1/x²। तो ये जनरल फार्मूला आ गया। अगेन एक्स की जगह पे x + डेल्टा x पुट करेंगे तो वही आ गया, f(x) या y एज इट इज आ गया। एलसीएम ले लिया दोनों, ठीक है। इसकी जगह पे x + 1 आ जाएगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x + डेल्टा x प्लस 1। इसको ओपन करेंगे, x + 1, ये माइनस x, इसके साथ होगा तो -डेल्टा x, इसके साथ होगा तो -1/x डेल्टा x, x + डेल्टा x प्लस 1, माइनस प्लस के साथ माइनस प्लस के साथ, यहाँ भी लिखा हुआ है, या सिर्फ -डेल्टा x रह गया, नीचे वाले के साथ कैंसिल। अब इसमें डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दें, यू गेट दिस, x2 - x, x की जगह पे x + डेल्टा x लिख दिया, x + डेल्टा x, तब ये और -f(x) एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, x2 + डेल्टा x2 + 2 टाइम्स x डेल्टा x माइनस -x डेल्टा x एज इट इज, और ये -x2, ये -x प्लस x, माइनस के साथ कैंसिल, ओके, ये वाला इसके साथ कैंसिल। हमारे पास आ जाता है 2x डेल्टा x विच इज़ दिस वन, डेल्टा x का स्क्वायर विच इज़ दिस वन, और ये -डेल्टा x ये वाला। अब सब में डेल्टा x है, तो अगर हम डेल्टा x कॉमन ले लें, 2x + डेल्टा x - 1, और नीचे भी डेल्टा x का, तो इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास ये चीज़ रह जाती है। अब इसमें डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये आपका फंक्शन। अब x⁴ है, तो आप इसको x की जगह पे x + डेल्टा x लिख दिया और ये एज इट इज़, ठीक है। तो आप किसी भी फार्मूले से इसको ओपन कर लें, बाइनोमियल आता है, जो भी आता है आपको, या फिर अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं आती तो आप इसको ये कर दें, + डेल्टा x होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दें, x + डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x डेल्टा x x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा x x डेल्टा x। अब इनको आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सब के साथ होगा, फिर ये सब के साथ होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आएगी with one extra thing, x power 4 plus ये चीज सारी की सारी और माइनस यहाँ पे ये x power 4 as it is आएगा, तो ये माइनस इस प्लस के साथ कैंसिल हो जाता है, आपके पास ये चीज रह जाती है। अभी देखिए इन सब में x स्क्वायर है, डेल्टा x इसमें से लेंगे एक, डेल्टा x इसमें से एक, डेल्टा x इसमें से और एक इसमें से, वो इस वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला तो सारा ख़त्म हो जाएगा, इसकी पावर चली जाएगी, एक रह जाएगा, इसकी पावर ख़त्म होके पावर 2 रह जाएगी, इसकी पावर ख़त्म होके 3 रह जाएगी जब एक हम इसमें से कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 4 6x डेल्टा एक्स आ जाएगा, 4x डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डेल्टा एक्स क्यूब आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें, 0 times anything is 0, 0 times anything is 0, 0 times anything is 0, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। 19 में उन्होंने स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स लिख दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एलसीएम लिया, ऊपर यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नीचे जाएगा तो डेल्टा एक्स भी साथ हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ हमने करनी है, इसका रैशनलाइजेशन करनी है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये चीज़ सारी की सारी जो कि यहाँ पे सारी लिख दी गई है, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट गया तो एक्स, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे एक्स माइनस डेल्टा एक्स, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, या माइनस डेल्टा एक्स रह जाता है और नीचे भी माइनस डेल्टा एक्स है, माइनस नहीं सिर्फ डेल्टा एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास आ जाता है माइनस 1 ओवर ये सारी की सारी चीज़ें। अब लिमिट अप्लाई कर दें, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, तो आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट एक्स एक दफ़ा, स्क्वायर रूट एक्स दूसरी दफ़ा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स, दो दफ़ा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो दैट बिकम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, दैट इज एक्स इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, दैट गिव्स अस दिस थिंग। लास्ट क्वेश्चन में x माइनस 1 है, तो आप x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, वही चीज़ हमने एलसीएम ले ली, डेल्टा एक्स अपनी जगह पे, ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा x माइनस 1 x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1, यहाँ पे आएगा x माइनस 1 माइनस यहाँ पे आएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1, एक्सक्यूज मी। अब इसको नीचे लेके जाएं तो ये आ जाएगा which is this one। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स है उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया which is this one and this one, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या चीज़ बचेगी ये और ये। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस 1, प्लस 1 कैंसिल होगा माइनस के साथ, ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो माइनस डेल्टा एक्स और ये नीचे एज इट इज आ गया। अब ये माइनस ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल, तो माइनस 1 ओवर अब डेल्टा एक्स की लिमिट पुट कर दें तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ये अगेन ये चीज़ एक्स माइनस वन वन टाइम, एक्स माइनस वन टू टाइम्स, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा टू टाइम्स एक्स माइनस वन, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टाइम्स एक्स माइनस वन टू द पावर 3/2। 21/2 में सिर्फ वैल्यूज चेंज है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज कर दिया, टी कर दिया, बाकी फंक्शन वही है, चीज़ आपने वही फाइंड आउट करनी है। देखिए यही फार्मूला है, सिर्फ एक्स की जगह पे टी कर दिया है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। फंक्शन आपके पास क्या था 4t² प्लस टी, आपने उसमें रिप्लेस कर दिया t प्लस h, सो 4t प्लस h का स्क्वायर प्लस t प्लस h वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, फार्मूला ओपन किया, ये चीज़ आ गई, इसको एज इट इज रहने दिया, नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, h कॉमन ले लें तो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये चीज़ रहेगी, आप h की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दें, आंसर आ गया। dv बाई डी आर करना है और v आपको गिवन है, हमने विद रिस्पेक्ट टू r करना है सिंपल, तब r की जगह पे h, r प्लस h पुट करेंगे, सो v ऑफ r बिकम्स r प्लस h, सो 4/3 पाई और r की जगह पे हम लिखेंगे r प्लस h क्यूब, तो ये यहाँ पे लिख दिया, ये एज इट इज आ गया, 4/3 पाई दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है, क्यूब का फार्मूला ओपन किया, क्यूब और h का क्यूब 3 टाइम्स आर स्क्वायर एच प्लस 3 टाइम्स आर आर एच स्क्वायर और ये क्यूब एज इट इज आ गया, ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ, तो देखिए इसमें h इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4/3 पाई अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो 3r स्क्वायर प्लस 3rh प्लस h स्क्वायर रह जाएगा और नीचे h इसके साथ कैंसिल, तो ये चीज़ हमारे पास बच जाती है, अब h की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये 0, ये 0, 4/3 पाई r स्क्वायर। Thank you.